सो हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम है सोनम। थोड़ा सा ना फैन चल रहा है, युवान सो रहा है, तो हो सकता है आवाज़ थोड़ी सी मतलब ऐसे ही आए। और ये है मेहंदी का दिन, तो मेहंदी लग रही है। एक्चुअली अभी ब्राइड को मेहंदी नहीं लगी है, हम लोगों को मेहंदी लग रही है। तो एक एक करके हमारा सबका नंबर आ रहा है मेहंदी लगने का। तो अभी इनको जो है, अब ये मेहंदी लगाने वाली बैठी हैं, अपना मुंह छुपा रही हैं। और ये श्रेया है जो अपना मुंह छुपा रही है, व्लॉग में नहीं आना चाहती। ये हिमांशी है, ये भी नहीं आना चाहती। ये रीत तो मस्त है हमारी, आएगी है। और ये अब मेरे को मेहंदी लग रही है, मुझे मेहंदी लग रही है, फ्रंट पे लग चुकी है, बैक पर लग रही है। काफ़ी टाइम लग जाता है मेहंदी लगाने में, बहुत मुश्किल होती है। एक तो बच्चे छोटे होते हैं तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी एक शौक होता है लगवाने का। तो हमने मेहंदी लगवाई, बहुत अच्छा सा लग रहा था। एक बहुत अच्छी सी वाइब आती है कि हम लोग कुछ ऐसा अच्छा सा काम करते हैं या मेहंदी लगवाते हैं, मतलब सजते संवरते हैं ना, तो बहुत अच्छी सी एक वाइब आती है। ये मेरे लग चुकी है मेहंदी, ये हिमांशी के लग रही है। मेरे बाद इसको मेहंदी लगी थी, हिमांशी को मेरे लग चुकी है। और अब ये है ब्राइड का नंबर। एक्चुअली ये जो है ना, यहाँ पर मतलब कुछ रीति रिवाज हैं जो कि एंगेजमेंट के बाद, मतलब शादी से एक दिन पहले किया जाता है। तो ये ससुराल वालों के कोई रीति रिवाज होते होंगे, तो मतलब उन्होंने बोला है कि कुछ मतलब पंजीरी वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें खिलानी होती हैं। तो जो जितनी भी मतलब मैरिड होती हैं, सुहागने होती हैं, तो वो सब जो है वो खिलाती हैं। जैसे दूध चावल होते हैं, ये दूध चावल की रीत होती है। दूध में चावल मिक्स करके उसमें हल्की सी चीनी डाल के वो खिलाना होता है। तो और ये अब सगन के गीत भी चल रहे हैं, ढोलक बज रही है। यहाँ पर ये मैं ही बोल रही हूँ। ये एक चांदी का छल्ला है, मतलब जो भाभियाँ पहनाती हैं। तो मैंने मुस्कान को पहनाया, बहुत सुंदर सा छल्ला था। फिर हम लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, सब हंस रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, इसलिए मैंने इसको म्यूट कर दिया है। अगर मैं उस टाइम बातें करती कैमरे के सामने तो बहुत मुश्किल था कि कुछ भी समझ आता। तो अब ये पायल है, तो वो भी भाभियाँ ही पहनाती हैं। तो एक हिमांशी ने पहनाई थी और एक मैं पहना रही हूँ। तो हिमांशी ने पहना दिया, दूसरे पैर में मैं पहना रही हूँ पायल, जो कि भाभियाँ पहनाती हैं, मतलब उनकी कोई रीत है। तो हम लोगों ने पहनाई थी, मतलब एक लड़की का पूरी तरीके से मतलब उसको सजाते हैं शादी से पहले। ये पायल पहना दी है मैंने। अब ये सब मतलब उसका जो अंगूठी और पायल हमने पहना दिया है, तो अब उसके बाद ये खिलाने का नंबर आएगा। कुछ दूध चावल खिलाए हैं और पंजीरी छुआरे, मतलब ये लड़की को खिलाने होते हैं, जो कि क्या नाम है, मतलब ससुराल वालों ने कहा है, उनकी रीत है कुछ। और ये तीनों चीज़ें इसको खिलानी है, मतलब ब्राइड को खिलाते हैं। तो इधर गीत वीत चल रहे हैं, ढोलक वोलक बज रही है। अब एक एक करके मतलब सात सुहागने जो होती हैं वो खिलाएंगी, मतलब सात छुहारे अलग किए हैं, एक एक चम्मच पंजीरी की खिलाएंगी, दूध चावल खिलाएंगी। तो जितनी भी मैरिड हैं वो सब एक एक करके खिलाएंगी। अब एक का नंबर आ चुका है, अभी सेवन और हैं, तो मतलब सिक्स और हैं। अब ये मैं खिलाने आ रही हूँ। ये जो मैरिज के रीति रिवाज होते हैं ना, इसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब शादी से ज़्यादा जो ये रीति रिवाज होते हैं ना, बहुत इंजॉय होता है। अब ये नंबर आ गया ब्राइड की मेहंदी लगने का। ये ब्राइडल को अब मेहंदी लग रही है। ये है हमारी क्यूट सी ब्राइडल। ये वैसे इनकी जो है मतलब रिलेशन में ही है दीदी जो मेहंदी लगा रही हैं। इनका पार्लर है मेरठ में, अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो।
ये अब डीजे नाइट स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि हमारे बच्चे अब घुस चुके हैं डीजे में, जो इधर उधर घूमेंगे, अब एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे, रोएंगे, बहुत कुछ होने वाला है। अब ये हम लोग आ गए हैं डांस, ज़्यादा डांस नहीं किया था तो थोड़ा बहुत ही डांस किया था, उसकी वीडियो मैंने शूट कर ली थी। मतलब बच्चे बहुत तंग करते हैं, बच्चे गोदी में आ जाते हैं ना तो बिल्कुल भी डांस वांस नहीं करने देते। इसका सॉन्ग मैं नहीं डाल सकती थी क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है कुछ, इसलिए आप ऐसे ही देख के इसको एंजॉय करो। बहुत मस्ती करी थी, बहुत ज़्यादा मस्ती हुई थी। सो गाइज, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल। और आज है शादी, मैं रात को आपको शादी वाला व्लॉग दिखाऊंगी, और थोड़ा सा चूड़े का भी है जो हम लोगों के यहाँ पे पंजाबियों में चूड़ा पहनते हैं, उसकी थोड़ी सी मैंने शूटिंग की थी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, बट वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू, बाय।